जान का मसला है, पहचान का मसला है, खत में नबूवत अपने ईमान का मसला है। इस मुबारक मजलिस में सदारत के मनसब को जीनत बख्शने वाली शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती मुइज़ुद्दीन साहब जीद मजदहुम, दीगर उलमाए किराम, इस मदरसे के बानी मोहतमिम मुंतजिम हजरत मौलाना सादिक साहब, अल्लाह ताला इस इदारे को सुबह कयामत तक आफियत और तरक्कियों के साथ जारी और कायम फरमाए। जो हजरात इस इदारे को चंदा देते हैं, अल्लाह उन सब हजरात को जजाए खैर अता फरमाए। कुछ साल पहले की बात है, इनके मोहब्बत भरे इसरार और हुक्म पर जब यहाँ हाजिरी हुई थी, एक छोटी सी कच्ची जैसी मस्जिद, और यहाँ पहुँचने के लिए रास्ते भी इस कदर तंग और टूटे हुए, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने यहाँ हाजिरी की सआदत अता फरमाई थी। उस वक्त को याद करता हूँ और आज इदारे को देखता हूँ। अल्लाह इनकी मेहनत और कोशिशों को कबूल फरमावे, नज़रे बद से हिफाजत में रखे। जिन खुश नसीब हुफाज़े किराम ने तकमील की, अल्लाह इन तमाम हुफाज़े किराम, उनके असातिज़े किराम, इनके वाली और ख़ानदान वाले, और जो हजरात इस मदरसे में ताउन करते हैं, उन सब के लिए इनकी इस तकमील हिफ्ज को अल्लाह सदक़े जारिया बनावे। मुअज्ज़ज़ हजरात, ये दीनी इदारे इसी तरह शुरू होते हैं। जब पहली मर्तबा इनके पुरखलूस इसरार पर यहाँ हाजिरी हुई थी, तो मुझे वो वक्त याद आया कि आज उसका मंजर बयान किए बगैर मैं नहीं रह सकता है।